Good morning, students. Now let's start our new lesson, calendar. Calendar, suppose मैंने आपसे पूछा है question कि बच्चों बताओ आपके birthday वाले दिन कौन सा day होने वाला है. Suppose जैसे मेरा birthday 25 November को आता है, तो मैं 25 November के दिन कौन सा day होने वाला है ये मैं कैसे बता सकती हूँ? कैलेंडर देखकर, है ना. कैलेंडर में मैं पेजेस टर्न करूंगी और उसके बाद फिर पर्टिकुलर डेट देखूंगी कि 25 है, 25 के दिन कौन सा दिन है. लाइक दिस जो है वो हम कैलेंडर देखते हैं. कैलेंडर हमें डे, वीक, मंथ, ईयर ये सारी इंफॉर्मेशन देता है. ओके स्टूडेंट्स, सो इन वन ईयर हाउ मेनी मंथ, सबको पता है. इन वन ईयर देयर आर 12 मंथ्स, है ना. जनवरी, फरवरी, मार्च, दीज आर कॉल्ड मंथ्स. और डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. जब ये 7 डेज कंप्लीट होते हैं तब हमारा 1 वीक कंप्लीट होता है. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी मंथ को, जैसे मेरे सामने ये फरवरी वाला मंथ है, फरवरी वाले मंथ में मैं देखूंगी तो कितने संडेज आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4. इट मींस 4 वीक्स कंप्लीट हो रहे हैं, है ना. और अगर मैं दूसरा मंथ देखूं तो अगेन यहां पर संडेज तो 5 है लेकिन मंडे 1, 2, 3, 4. अगेन हमारे पास 1 वीक कंप्लीट है, 2 वीक कंप्लीट है, 3 वीक्स कंप्लीट है, 4 वीक कंप्लीट है. इट मींस कि हर मंथ में नियर अबाउट 4 वीक्स कुछ डेज होते हैं. ओके, ये तो हो गई कैलेंडर की स्टडी. 12 मंथ्स आपको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, यानी हमको मंथ पता चल गए, डेज पता चल गए, 1 मंथ में कितने वीक होते हैं अप्रोक्सीमेटली, यानी अंदाजे से वो भी पता चल गए. अब नेक्स्ट हमारे पास आ रही है नेक्स्ट चीज. देखो मेरे पास है 2019 का कैलेंडर और साथ में मेरे पास है 2020 का कैलेंडर. दोनों ही कैलेंडर में मैंने फरवरी वीक को, फरवरी मंथ को ऑन खोल के रखा है. ठीक है, फरवरी 2019 में, फरवरी में 28 डेज हैं. ठीक है, 2020 में, फरवरी में 29 डेज हैं. ठीक है, देखो 30 फरवरी कहीं नहीं होता है, 28 फरवरी के बाद मंथ खत्म हो गया है. यहां से यानी थर्सडे को मंथ खत्म हुआ है, फ्राइडे से स्टार्ट होना है, तो नेक्स्ट मंथ में आपका नेक्स्ट मंथ फ्राइडे से स्टार्ट हो चुका है ना. यहां पर भी देखो आप, फरवरी जो है 2020 में 29 फरवरी हो रहा है और फरवरी सैटरडे को है. ठीक है, सॉरी 29 सैटरडे को है. फिर नेक्स्ट 1 तारीख जो है वो संडे से स्टार्ट होनी चाहिए, यानी फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च. तो मार्च देख लो संडे से स्टार्ट हो रहा है ना. तो बच्चों आपने देखा कि इन 2019 देर आर 28 डेज इन अ कैलेंडर. इन 2019 देर आर 28 डेज इन अ फरवरी मंथ. ओके, एंड इन 2020 कैलेंडर देर आर 29 डेज, 1 डे बढ़ गया है. दिस ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर. जिस ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं उस ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर. ओके, और ये जो लीप ईयर है एवरी 4 इयर्स बाद रिपीट होता है, यानी 2020 आपका लीप ईयर, 2020 आपका लीप ईयर हो गया. अब जो नेक्स्ट लीप ईयर है वो कब आ जाएगा, 2024 में, आफ्टर 4 इयर्स. ओके बच्चों, ये होगी हमारी थर्ड चीज. यानी हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, नेम ऑफ द मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो ऑन, डेज इन अ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, प्लस लीप ईयर, प्लस देयर आर अप्रोक्सीमेट 4 वीक्स इन अ मंथ. ठीक, अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं वो देखो आप ध्यान से, कि जनवरी में 31 डेज है. ठीक है, फरवरी में 28 या 29 डेज, मार्च में 31 डेज,
फिर मार्च के बाद जब आप अप्रैल में आओगे, इन अप्रैल 30 डेज, ओके, अप्रैल के बाद इन मे 31 डेज, फिर नेक्स्ट इन जून 30 डेज, इन जुलाई 31 डेज. सो ऑल्टरनेटली किसी मंथ में 30 डेज है, किसी मंथ में 31 डेज है, और फरवरी में 28 या 29. ये कैसे डिसाइड होता है? नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, इस कैलेंडर को रीड करने के बाद बुक की एक एक्सरसाइज जो मैं वीडियो में दूंगी वो कंप्लीट करना है, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू वॉच हाउ टू कैलकुलेट 30 and 31 डेज इन अ मंथ. ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ इन प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीट अ टाइम चैप्टर. टुडे लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 18, कैलेंडर. इन कैलेंडर यू हैव टू नो अबाउट डेज, वीक इन डेज इन अ वीक एंड मंथ. ठीक है, हम पहले डेज, एक वीक में कौन कौन से डेज होते हैं वो पढ़ेंगे, फिर मंथ, एक वन ईयर में कौन कौन से मंथ्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो स्टार्टिंग में हम करते हैं वीक की स्टडी. सो इन अ वीक देर आर 7 डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. सबको पता है ना, क्योंकि हम ये चीज मॉन्थ से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक, कि देर आर 7 डेज इन अ वीक. ओके, सो यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ दीज डेज, सबसे पहला होमवर्क. सेकेंड वन इज द वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इज गिवन ऑन पेज नंबर 174. यू हैव टू प्लान योर वीक, है ना. हम अपने अभी इसमें जो एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी में ये बताया है कि हाउ टू प्लान योर वीक. ठीक, फॉर एग्जाम्पल किसी ने प्लान किया है, अ डैड इज गोइंग टू आगरा ऑन ट्यूजडे, ड्रॉ अ कार. सो जहां ट्यूजडे लिखा है वहां पर आपको क्या वर्क करना है? Draw a car. Okay? Like this, it's your sister's birthday on Friday. Draw a present. So on Friday, you have to draw here a present. Okay? This is a activity based on week. So you have to draw this calendar, week calendar in your copy. Draw the pictures, write down the question. ठीक है, आपको ये काम करना है कि जिस डे के दिन जो आपको ड्रॉ करने के लिए बोला है, यू हैव टू ड्रॉ दैट पर्टिकुलर थिंग इन दैट डे. ओके, ठीक. नाउ देन आफ्टर दैट ऑन पेज नंबर 175, दिस इज अगेन वेरी इजी एक्टिविटी. हियर द नेम ऑफ द डेज इज गिवन इन द जंबल अप ऑर्डर, मींस आगे पीछे उनके स्पेलिंग जो है वो चेंज कर दिए. यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द डे. ठीक है, जैसे इसको देख के देखो, ओ डी वाई एम एन ए, तो हम इसमें सारे ना सारे वीक्स के नेम में आप देखना डे लगता है, तो डी ए वाई अगर हम अलग कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? एम एन ओ. तो एम एन ओ को अरेंज करोगे तो एम ओ एन, मंडे. इट मीन्स यू हैव टू अरेंज दिस, सो यू विल गेट द नेम ऑफ द डे मंडे. लाइक दैट यू हैव टू अरेंज ऑल द डेज इन योर कॉपी. ओके, हियर द फिल इन द ब्लैंक्स. यस्टरडे यानी जो बीत गया, टुडे मीन्स आज, एंड टुमारो मीन्स आने वाला कल. ओके, सो इफ टुडे इज मंडे, आज मंडे है, तो कल क्या था? संडे. और कल क्या होगा? ट्यूजडे. सो लाइक दैट यू हैव टू सी संडे, मंडे, ट्यूजडे. ओके, इस ऑर्डर में हो गया. ऐसे ही कल फ्राइडे था, तो देन आफ्टर फ्राइडे व्हाट इज टुडे? सैटरडे. And what is day after tomorrow? Is Sunday. Like this, you have to fill this chart and also complete this fill in the blanks. It is very easy. With the help of your parents also, you fill this. A week has 7 days. Monday comes just after. After मतलब बाद में. Monday किसके बाद में आता है? Sunday. If it is Tuesday today, आज Tuesday, sorry, if it is Wednesday today, अगर आज Wednesday है, it will be dash tomorrow. तो कल क्या होगा? Wednesday का क्या आता है? Thursday. If it will be Saturday tomorrow, अगर कल Saturday था, तो it is today. तो आज क्या हो जाएगा? Friday. And it was yesterday. और कल क्या था?
आज फ्राइडे है, कल सैटरडे होगा, तो कल क्या था, तो इट मीन्स थर्सडे, है ना. लाइक दिस यू हैव टू फिल दिस फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी इजी फिल इन द ब्लैंक्स इन योर कॉपी. ओके, सो पेज नंबर 174 एंड 175, बोथ द एक्सरसाइजेस डू इन योर कॉपी. ओके.